गाइस, आज कोकनी कुक के किचन में बनने जा रहे रमजान स्पेशल चना मसाला। तो इस तरीके से बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, मैं चना बनाने के लिए, काली चने बनाने के लिए मैंने तेल डाली बर्तन के अंदर। उसके अंदर थोड़ा सा मैं करी पत्ता डालूंगी। देखो करी पत्ता डालने से कैसे आवाज आने लगी तेल के अंदर। और उसके अंदर थोड़ा सा मैं जीरा भी ऐड करूंगी। छोटी चम्मच जीरा डालूंगी। जो प्याज है, ये तीन प्याज मैंने काट के रखी हूँ, वो ऐड करूंगी इसके अंदर। मैंने चना उबाल के थोड़ा सा नमक ऐड की थी, इसके लिए मैं थोड़ा सा एक चम्मच ही पहले नमक डालूंगी, बाद में चेक करके डाल सकते हैं। ये देखिए, प्याज हमारा लाल हो चुका है। इसके अंदर मैं एक चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डालूंगी। और उसके साथ मैं हल्दी भी, छोटी चम्मच हल्दी का डालूंगी। और ये जो है धनिया पाउडर है, वो दो चम्मच इसके अंदर ऐड करूंगी। और इसके अंदर मिर्ची पाउडर डालूंगी, दो चम्मच मिर्ची पाउडर। इन सबको मिक्स करूंगी मैं अच्छी तरह से, भूनूंगी। अच्छी तरह से भूनूंगी लाल कर ये मसाले को। और ये जो इमली का पल्स जो है वो अंदर ऐड करूंगी। मसाले को अच्छी तरह से हमें भूनना है। भून जाने के बाद मैं उसके अंदर चना ऐड करूंगी। ये जो चने हैं, काले चने, वो उसके अंदर ऐड करूंगी मैं। मसाला अच्छी तरह से हमारा भून चुका है। इसके अंदर जो मैंने जो चने उबाली हूँ वो ऐड करूंगी पूरे। बहुत अच्छे लगते हैं चने, इस तरीके से बना के देखिए। और इसके अंदर जो हरा धनिया वो भी मैं ऐड करूंगी। इसे धीमी आंच पे थोड़ा मैं पकने रखूंगी। मैंने चने के अंदर थोड़ा पानी ऐड की हूँ, अभी इसे मैं अच्छी तरह से पकने रखूंगी। ढक्कन रख के थोड़ा टाइम पकाऊंगी और आपको फिर मैं सर्व करके बताती हूँ। ये हमारा रमजान स्पेशल है चना, इस तरीके से बनाइए, बहुत अच्छा लगता है ये। इसके अंदर आप ग्रीन चटनी या रेड चटनी जो मैंने बनाई हूँ उस तरीके से बनाइए, उसके अंदर ऐड कीजिए, अच्छा लगेगा। मैं आपको ये पकने का सर्व करके बताती हूँ। देखो गाइस, ये जो मैंने चना बना चुकी हूँ उसे मैं सर्व की हूँ। मेरे तरीके से बनाइए, रमजान स्पेशल है और आसान है एकदम। और मुझे कमेंट करके बताइए।